Hello, dear learners. This is day 43 of our English speaking course, and today we'll be learning the sentences used while we are meeting somebody. So, आपके आने से बड़ा आनंद रहा. It's been nice seeing you. When do I see you again? अब कब मुलाकात होगी? Or when shall we meet again? I am glad to see you. मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. There is something important to do. एक जरूरी काम आ गया. Why didn't you come that day? आप उस दिन क्यों नहीं आए? तुम गलती पर हो. You are mistaken. You are at fault. Long time no see. तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए. He has asked for you. उन्होंने आपको याद किया है. My work is not yet over. अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है. I wish to talk to you. मुझे तुमसे बातें करनी है. I waited long for you. मैं आपका बड़ा इंतजार किया. You are late by half an hour. आप आधा घंटा देर से हैं. Let's have some good news. कोई अच्छी खबर सुनाएं. Your letter has just been received. Write immediately on reaching. जाते ही चिट्ठी लिखना. कहीं भूल ना जाना. Don't forget it. Keep it in mind. Let me know when he comes. उनके आ जाने पर मुझे खबर दें. See you again. फिर मिलेंगे. Convey my regards to him. उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना. Do write to me sometimes. मुझे अपना पता देते जाइए. प्लीज गिव मी योर एड्रेस. अगले इतवार मुझे मिलो. मीट मी नेक्स्ट संडे. उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. इट वॉज नाइस मीटिंग हिम. यू आर ऑलवेज वेलकम. आप किसी समय भी आई. देर इज नो नीड फॉर फॉर्मैलिटी. तकलीफ मत लीजिए. आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ यू. सॉरी आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम. मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं. वी हैव एन एक्सलेंट या परफेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर. हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं. वी हैव एक्सलेंट रिलेशनशिप या परफेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर. थैंक्स फॉर प्लीज एंड इवनिंग. सो दैट्स ऑल फॉर द डे.